स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें। इसका टॉपिक है भाजक, भागफल तथा शेषफल, इनमें क्या संबंध होता है। इसमें क्या संबंध होता है मतलब भाज भाजक। अब आपको पता है, जिन बच्चों को पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि भाज भाजक भागफल क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है 153 और इसको हमें भाग देना है 4 से, ठीक है। तो हम 4 से इसको भाग देते हैं, तो 4 से भाग का मतलब 4 ये हो गया, इस तरह भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब 4 से भाग देंगे तो भाग तो सबको आता है, आप लोगों को भी आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए 4 × 12 ये 2 अंक में 3 ही बार जाएगा, इससे ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ 3 उतारेंगे, फिर ये 3 आ गया, 4 × 8 = 32, मतलब इसकी टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 15 से कम है घट जाएगा, फिर घटा लेते हैं, फिर इसके बाद इसको अगले अंक को उतारते हैं, फिर 4 से 8 बार बढ़ेंगे तो 32 आएगा, यहाँ 1 बच जाता है। देखिए इसमें क्या संबंध है, अब कहते क्या है, देखिए ये होता है शेषफल, ये होता है शेषफल, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक। ये होता है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है, और इसको हम कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। ये होता है भाज्य, जिसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक। ये होता है भागफल, इसको कहते हैं क्वोटेंट, क्वोटेंट, ठीक है। ये भागफल है, ये भाजक है, ये भाज्य है, और ये शेषफल है। भाजक जिससे भाग दिया जाता है, भाज जिसमें भाग दिया जाता है, भागफल जो जितनी बार टेबल पढ़ने पे आंसर आता है, और नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है, ठीक है। तो यह है भाज्य भाजक भागफल, और किसको क्या कहा जाता है, तो इसका फार्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला है। इस फार्मूले का ही संबंध है भाज भाजक भागफल में, आपस में क्या रिलेशन है। और इस भागफल को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर, टेंथ क्लास में आपने विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था, विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम इसमें था एज कल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये देखिए ए ये हो गया, ठीक है, आर ये हो जाता है, क्यू ये हो जाता है, और बी ये हो जाता है, ठीक है। और ये आपका विभाजन एल्गोरिथम है, और इसमें इसी फार्मूले को यूज करते हैं। अब अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें, देखें इसमें हमारा भाजक क्या है, भाजक है 4, भाज्य कितना है 153, भागफल कितना है
38 और शेष फल कितना है बराबर 1। अब अगर हम इनको गुणा करते हैं इसी रूल से तो देखिए भाजक 4 है गुणे भागफल कितना है 38 है शेष फल 1 है। ठीक है अब 4 8 32 4 3 12 और 3 ये 15 प्लस 1 और इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 153 आ गया और ये जो है ये क्या बन गया आपका यहाँ पर हमने बताया था भाज्य आ गया और ये हो गया भाज्य। ठीक है तो भाज्य निकल गया तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर सर्टिफाई हो गया कि भाज्य बराबर क्या है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उदाहरण ले लेते हैं मान लेते हैं हम 61 32 को 3 से डिवाइड करते हैं ये दूसरा एग्जाम्पल है और ये पहला था। ठीक अब इसको भाग करते हैं यहाँ देखते हैं तो 61 32 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 2 बचेगा 9 3 9 27। ठीक है यहाँ 2 आ गया अब 2 से 3 फिर उतार लो 3 7 21 फिर यहाँ 2 होगा ये 2 उतर जाएगा 3 7 21 यहाँ शेष 1 आ गया। ठीक है अब शेष 1 आ रहा है देखिए ये हो गया भाजक भागफल शेषफल और ये भाज्य आ गया। ठीक है तो हम पहले भाजक को लेते हैं तो सॉरी भाज गुणे भागफल प्लस शेषफल अभी जांच कर रहे हैं हम सही है कि गलत है। ठीक है भाज्य कितना है 3 भागफल है 1977 शेष है 1। ठीक भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल अब इसमें से इन चारों में से 3 कोई भी चीज दी होगी एक चीज को अगर निकालना है तो आसानी से निकाला जा सकता है जिसे भाज्य भाजक भागफल दिया है उसे इस निकालना तब भी क्वेश्चन निकल जाएगा मतलब इन चारों में से कोई भी एक चीज निकालना होगा तो इस फार्मूले के जरिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि एक कोई संख्या है उसको इतने से मतलब डिवाइड की जाती है या भाग दिया जाता है तो उसका भागफल इतना आता है तो शेषफल क्या होगा तो इस फार्मूले को अप्लाई करके हम संख्याओं का भागफल शेषफल भाजक या भाज्य को निकाल सकते हैं। ठीक है अब यहाँ से करिए तो ये बनेगा 3 7 21 3 7 21 2 23 3 9 27 2 29 3 1 3 और 2 5 और प्लस 1 हो गया और यहाँ पर जब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 9 3 2 ये आ गया क्वेश्चन और ये बराबर हो गया भाज्य। तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि मतलब जो है कोई भी संख्या होगी और ये इस रूल को फॉलो करता है या इनका आपस में ये संबंध है तो आप इस फार्मूले को यूज करके इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें लाइक कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार जय।